कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस भड़वेंद्र साहब ने देखो। आज के इस मॉडर्न एज में मीडिया के रोल को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भी किसी पीड़ित की सुनवाई नहीं होती तो वो मीडिया की तरफ नजर उठाकर देखता है। ये और बात है कि मीडिया वालों की भीड़ में कुछ कॉमेडियंस भी आ गए हैं, वो अपने अंदाज में ही रिकॉर्डिंग करते हैं। इस मामले में पाकिस्तान के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। पाकिस्तान में चांद नवाब से बढ़कर भी रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, तो अपना पेट पकड़कर हो जाइए हंसने के लिए तैयार। इंटरव्यू ऑफ फॉरेनर। एक जर्मनी का आदमी पाकिस्तानी रिपोर्टर के बीच फंस गया भाई। बेचारे को उर्दू नहीं आती थी और इन्हें अंग्रेजी नहीं आती। वो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में इससे सवाल पूछ रहे हैं। वो बेचारा जवाब देने के बजाय बचकर निकलने की जगह ढूंढ रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले जब उसने अपना नाम मार्टिन बताया तो उससे पूछा क्या, विच पोजीशन। जब उसने अपनी पोजीशन बताई गई तब उससे पूछा गया कि आपने ड्रिंक की है, तो उसने बताया नहीं भाई, मैं अपनी कार ड्राइव करके आया हूँ। अगर आपको ड्रिंक और ड्राइव का मतलब नहीं मालूम तो धन्य है ऐसे रिपोर्टर और ऐसे रिपोर्टरों वाले देश के क्या ही कहने। Your good name? Martin. Huh? My name is Martin. Which position? Commercial officer with the German consulate. You drink? No, I don't drink. I don't drink anyway. Nani, you come to hospital. Yeah, I can go to the hospital. I have no problem. You go? Yes, of course, anytime. Reporting में dance. दोस्तों, एक अच्छा रिपोर्टर वो होता है जो चल रहे मोमेंट में इन्वॉल्व होने के बजाय उसे रिप्रेजेंट कर सकता है, उस दौरान हो रही घटनाओं को अपने व्यूअर्स को दिखा सके। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली पाकिस्तान में पाए जाते हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान घट रहे मोमेंट में कुछ इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये रिपोर्टर है या फिर ऑर्गेनाइजर। एक खुशी के मौके पर पाकिस्तान के रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान न्यूज लोगों तक पहुंचा रहे थे। लोगों के बीच बोलते बोलते इनका मूड नाचने का हो गया और उन्होंने एक हाथ में माइक पकड़कर एक हाथ से डांस भी कर लिया। वैसे इनके डांस को क्या बोलेंगे, माइक डांस। बारिश में ऐसा फील हो रहा था कि हम नीचे शॉप पे बैठे हुए थे और जब पता चला कि बाहर इतनी औसम मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, हम अपनी शॉप छोड़ के नीचे से फौरन बारिश में नहाने आ गए। आपको कैसा लग रहा है? सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारिश में, हम इतना मजा आ रहा है कि अभी सोच रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारी इस मेहनत को रिकॉग्नाइज कर दो, लाइक कर दीजिए। कम से कम इस वीडियो पर 500 लाइक तो आने ही चाहिए। अब बात करते हैं नाले में रिपोर्टर की। इनके रिपोर्टरों का भी जवाब नहीं। कभी तो नाले के किनारे बैठकर इंडिया को कोसते हैं और कभी नाले के भीतर ही चले जाते हैं। जहां पाकिस्तान में पानी के ऊपर चलने वाले इस देसी जुगाड़ के ऊपर कुछ रिपोर्टर अपने रिपोर्टिंग स्किल का प्रदर्शन कर रहे थे। न्यूज को रिप्रेजेंट करने के दौरान ही इनकी इस गाड़ी की हवा निकल गई, पानी नाव में आ गया और सारे के सारे रिपोर्टर पानी में गिर गए और सबको याद आ गई अपनी अपनी नानी। अंडरगारमेंट वाले मास्क। कोरोना काल की इस भयानक महामारी में जहां हर किसी के ह्यूमिडिटी से रिलेटेड सेंटिमेंट्स बाहर आ रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर इस कंडीशन में भी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का नायाब नमूना देखने को मिला। जहां एक ओर पाकिस्तानी सरकार और हुकूमत चीन के गुणगान करने से पीछे नहीं हटती, वहीं चाइना है कि इस महामारी के दौरान N95 मास्क बेचने की बात कहकर उन्हें यूज्ड अंडरगारमेंट से बने मास्क बनाकर भेज दिए। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी मीडिया को मिल गया लंबे समय तक का न्यूज मटेरियल। ये मोहतरमा न्यूज चैनल पर बैठकर बड़े तल्ख अंदाज में कह रही हैं, चीन ने चूना लगा दिया, N95 मास्क की जगह भेज दिए अंडरगारमेंट से बने हुए मास्क। वैसे आपको क्या लगता है, चीन ने ऐसा क्यों किया होगा? ताकि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो, या फिर वो पाकिस्तानियों को इसी तरह के मास्क पहनने के लायक समझता है? भाई आपको जो भी लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में कितना दम है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। जी हाँ नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। फुटेज में दिखाया जा सकता है अंडरगारमेंट से बने मास्क मजाक बनकर रह गए। चलिए अब टमाटर के दम की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिनों और टेंशन ज्यादा बढ़ गई।
भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले टमाटर को रोक दिया था। इसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गया। उन्होंने टमाटर को लेकर कुछ इस तरीके की रिपोर्टिंग की जिससे ये पता लगता है कि उन्हें टमाटर की भी जरूरत है और ये टमाटर लेना भी नहीं चाहते। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी कि मार भी खाए पर कह न पाए। ये रिपोर्टर महोदय, इंडियन गवर्नमेंट हम भारतीयों को कोसने से पीछे नहीं हटे। आप सुन सकते हैं इनके मन की भड़ास और समझ सकते हैं इनके दिल का असली दर्द। तो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बार बार तौबा तौबा कहते हुए ये रिपोर्टर महोदय अब पाकिस्तान को नसीहत दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इंडिया की 125 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मैं ये तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है, और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं, तौबा ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है कि भारत ने टमाटर तो बंद कर दिया, टमाटर के बदले हिंदुस्तान की तरफ पाकिस्तान एटम बम फेंके। मतलब यार, एटम बम ना हुआ, हसीना की आंखें हो गई, कभी भी मार दो। देखो, ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये एटम बम हमने ड्रेंग रूम में जाने के लिए नहीं बनाए। ये एटम बम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तौबा, अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। और ये तौबा का मुकाम है, इंडिया ने यह समझ लिया है कि टमाटर बंद करके पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं चांद नवाब साहब की। पाकिस्तानी रिपोर्टर में चांद नवाब एक ऐसे रिपोर्टर हैं जो केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं। आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने चांद नवाब का ही रोल प्ले किया था, जिसमें ये रेलवे स्टेशन के पास खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं और आसपास गुजर रहे लोगों से डिस्टर्ब होकर उनके साथ बड़े ही गुस्से से पेश आते हैं। लेकिन वो बहुत फनी लगता है। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान केवल चंद लाइनें बोलना था, लेकिन इसके लिए इन्होंने 20 रिटेक लिए थे। लेकिन इसके बाद भी जब लोगों का इनके और कैमरामैन के बीच से आना जाना नहीं रुका तो इन्होंने लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया। अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीबी, उधर चलिए एक मिनट रुक जाना। कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस साहब ने देखो। चलिए अब बात कर लेते हैं पब्लिकली छिछोरेपन की। पाकिस्तान पब्लिक के बीच से रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है, बल्कि कुछ इस तरीके से रिपोर्टर को परेशान करती है कि बेचारे नौकरी छोड़ने का विचार कर लेते हैं। इस रिपोर्टर को देखिए, ये पब्लिक के बीच में फंसा हुआ है और अपने ऑफिस से आने वाली आवाज का इंतजार कर रहा है, लेकिन लोगों का सब्र जवाब दे रहा है और वो इसका मजाक उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। आखिरकार लोगों की बात सुनते सुनते जब ये रिपोर्टर अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा तो उसने पब्लिक से कहा, यार क्या चिचोरापन कर रहे हो, तमीज नहीं है आपको? तो आदमी बड़े ही भद्दे तरीके से बोलता है, कमीज सामने पहनी हुई है। अब भाई, अगर इनके पास कमीज और तमीज होती तो दुनिया में इनकी इज्जत की भद्द नहीं पिटती। पहले से आराम है जी। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। बात अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बन है, तमीज नहीं है आपको? तमीज तो पहनी हुई है, बस यही कमीज है तुम्हारे पास। चलिए अब बात करते हैं बाढ़ के दौरान की रिपोर्टिंग की। किसी भी नेचुरल डिजास्टर के दौरान, चाहे वो बाढ़ हो, डूबकर अपनी रिपोर्टिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। फसलें भी दरियाबंद हो चुकी हैं और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। मोदी के खौफ में पाकिस्तानी मीडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच चलती तनातनी का फायदा भारतीय मीडिया में उठता है और पाकिस्तानी मीडिया में भी। अपने अपने देश के लोगों के सेंटिमेंट को यूज करके न्यूज को सनसनीखेज बनाने और न्यूज को पब्लिक इमोशन का टच देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। इस तो पाकिस्तान के रिपोर्टर भी इससे बहुत आगे रहते हैं, मगर कुछ मूर्खता की हदों को पार कर जाते हैं। अब इस पाकिस्तानी रिपोर्टर को देखिए, बरसाती नाले के इंतजार में खड़ा ये रिपोर्टर बोल रहा है कि अब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ अपना बरसाती नाला छोड़ दिया है और वो मोदी की हुकूमत को बर्बाद कर देगा। तो देखिए कितनी तेजी से पानी आ रहा है। अच्छा हुआ कि भाई साहब समय पर हट गए, वरना इस नाले के साथ बहते बहते किसी गटर में पहुंच गए होते। लगता है इन्हें अपने देश की सेना के सरेंडर बाज सैनिकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए अब इन्हें बरसाती नाले से उम्मीद बंधी है। आगे ये बहुत बड़ा बरसाती नाला जो जोश में आ रहा है भारत को तबाह करने के लिए, क्योंकि ये जो बरसाती नाला आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही
बड़ा बरसाती नाला है जो सीधा इंडिया में जाकर ये तबाही मचाएगा, क्योंकि मोदी की हुकूमत को सबक दिलाने के लिए हमारा ये सिर्फ बरसाती नाला ही काफी है। ये जो बरसाती नाला है आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मिकदार में आ गए हैं। सीधा अब ये सखी सरोवर से गुजर कर मोदी सरकार में की जो हुकूमत है उसको गिरा देगा, क्योंकि भारत ने तो सिर्फ पानी छोड़ा था, अब हम उनको अमली तौर पर दिखाएंगे कि अगर पाकिस्तान छोटा सा एक बरसाती नाला भी छोड़ दे तो भारत की खैर नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं रिपोर्टर को थप्पड़। भाई पाकिस्तान की लोकेलिटी कुछ ऐसी है कि वहां के रिपोर्टर्स बेचारे पिट भी जाते हैं। ये महिला रिपोर्टर पाकिस्तान के पुलिस वाले के करतूत को सामने ला रही थी। इसके अनुसार इस पुलिस वाले ने कई महिलाओं को परेशान किया था। ये रिपोर्टर पुलिस वाले की इस हरकत को अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बतौर न्यूज पेश कर रही थी, लेकिन इस महिला रिपोर्टर ने इस पुलिस वाले के सामने ही माइक लेकर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अगर इस रिपोर्टर ने माइक ना पकड़ा होता तो ये पुलिस वाले की कॉलर पकड़ लेती। पुलिस वाला पहले तो शांत रहा, लेकिन इसके बाद पुलिस वाले ने जो किया उसे हम कतई सपोर्ट नहीं करते। खुद महिला रिपोर्टर की भी पुलिस वाले से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं रही होगी। पुलिस वाले ने उस महिला रिपोर्टर को जड़ दिया जोर का थप्पड़। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हारे घर में हमारी बहनें बदतमीजी कर रही हैं। ये जरा दिखाइए इसकी यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के कुछ नमूने। इन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है उन्हें कश्मीर चाहिए, वरना टमाटर के बदले एटम बम मार देंगे या फिर बरसाती नाला छोड़कर हिंदुस्तान को बहा देंगे। पहले औरतों की इज्जत करना तो सीख लो जनाब, ऑन कैमरा उन्हें थप्पड़ मारने से पहले 100 बार सोचना। दोस्तों इनमें से सबसे फनी इंसिडेंट आपको कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी बिल्कुल, कोटसेटा के इलाके जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बायस को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये एटम बम हमने ड्रैग रूम में जाने के लिए नहीं बनाए, ये एटम बम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। आगे ये बहुत बड़ा बरसाती नाला जो जोश में आ रहा है भारत को तबाह करने के लिए, क्योंकि ये जो बरसाती नाला आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा बरसाती नाला है जो सीधा इंडिया में जाकर ये तबाही मचाएगा, क्योंकि मोदी की हुकूमत को सबक दिलाने के लिए हमारा ये सिर्फ बरसाती नाला ही काफी है। ये जो आपको कैसा लग रहा है? सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं बारिश में, हम इतना मजा आ रहा है कि अभी सोचो जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं।